मैं वही सपने देखता हूँ जिन्हें खुद पूरा कर सकूँ, उतनी ही इच्छाएं रखता हूँ जिन्हें अपने दम पर भर सकूँ। ये जहान सबूत मांगता है, आपकी बातों का प्रूफ मांगता है। आप क्या कर सकते हैं इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, जो आप दिखाते हैं वही बात सही है। फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर फॉरगेट दैट। ये जहान सबूत मांगता है, आपकी बातों का प्रूफ मांगता है। आपके भीतर क्या है लोग आप बाद में जानेंगे, पहले आपके हुलिये से आपको पहचानेंगे। तो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दें। गूगल में टाइप करें ड्रेस टू इम्प्रेस, ये लाइन टाइप करें ड्रेस टू इम्प्रेस, उसमें आपको बता दिया जाएगा कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस किस ओकेजन के लिए क्या क्या ड्रेस है, पूरा बता देगा वो आपको। अगर आपको लगता है कि आप मेल हैं और आप अच्छी फिटिंग वाली ड्रेस पहनना चाहते हैं, तो फिर टमी या तो अंदर करें या फिर लूज शर्ट लें ताकि आपकी टमी उसमें कवर हो जाए। आकर्षण, आकर्षण। ये जहान सबूत मांगता है, आपकी बातों का प्रूफ मांगता है। आपके भीतर क्या है लोग बाद में जानेंगे, पहले आपके हुलिये, हुलिये समझते हैं ना, पहले आपके हुलिये से आपको पहचानेंगे। रोने और चिल्लाने से लोग दया तो दिखाते हैं, पर दूर आप नजर आ जाएं तो दूसरे फुटपाथ पर चले जाते हैं। रोने चिल्लाने से कोई करीब नहीं आता है। इसलिए लास्ट की लाइन है, ध्यान से सुनना। खाली खोखलों से भीड़ नजरें बचाती है और भरे हुए समंदर के पास नदी तक जाती है। समझ में आई लाइन वाली? समंदर भरा हुआ है ना, अभी समंदर है ना जामनगर में, सारी नदी इधर आती होंगी। समंदर कहता है मुझे जरूरत नहीं है, गो गो, बट नदी कहती है भाई तेरे पास आना है, क्योंकि वो फिल है। इसलिए उठो जागो और शेर बनो जो जंगल में अकेला चलता है और हिरणों के झुंड में जाकर शिकार को पकड़ता है। किनारे पर क्या बैठना, अंदर जाने का है और शिकार को। सो अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना है। इसी टॉपिक पे हम अगले चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, हमारा अगला जो सेक्शन है, टॉपिक का नाम है नया कॉन्फिडेंट एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं शेयर करता हूँ, जो कि बहुत सारे ट्रेनर्स करते होंगे, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आइए व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा फोकस कीजिए। इसको सक्सेस ट्रायंगल बोलते हैं। बीच में है सक्सेस, नीचे है नॉलेज, इधर है एटीट्यूड, इधर है स्किल। बहुत पुराना है, बट हर एक का अपना अपना तरीका है समझाने का। आप मेरे तरीके से सुने, मजा आएगा। अब क्या है, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन फिर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, मान लीजिए। लेकिन आप बोलेंगे बट मैं तो नॉलेज पूरा रखती हूं ना अपने सब्जेक्ट का, बट फिर भी मेरा माल नहीं बिकता है, मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आते, मेरी तरफ स्टूडेंट अट्रैक्ट, बट नॉलेज आपको पूरा है। कुछ पता लगाना पड़ेगा कारण क्या है। आई नो मेनी टीचर्स, मेनी डॉक्टर्स, दे हैव फुल नॉलेज बट स्टिल दे आर नॉट रेस्पेक्टेड। नॉलेज का मतलब है मैं क्या, हेलो, जानता हूं। अगर आप सब्जी बनाने जानते हैं तो वो आपकी नॉलेज है। क्यों 95% बिजनेस फेल हो जाती है 3 से 5 साल के अंदर? क्योंकि उनके पास उनकी बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं है। कोई भी नया बिजनेस 5 साल अगर क्रॉस कर गया तभी वो सस्टेन करता है। हम 5 नियम तो 10 साल बोलते हैं, 10 साल में तो समझ में आता है अपने बिजनेस के बारे में। और लोग कहते हैं पहले साल ही प्रॉफिट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे प्रॉफिट पहले साल? आपके पास अगर नॉलेज है, ध्यान से समझिएगा, आपके पास अगर नॉलेज है और एटीट्यूड, इसको नोट कीजिए, एटीट्यूड और स्किल नहीं है, आप एक बेहतरीन टीचर नहीं बन सकती है। कोशिश करके देख लीजिए, इतिहास गवाह है। आपके बिजनेस में आपको अच्छा नॉलेज है, आपके पास राइट एटीट्यूड राइट स्किल नहीं है, आप नंबर 1 नहीं बन सकते हैं। कोशिश करके देख लीजिए। अच्छा, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिक एग्जांपल है। बॉर्न क्रिकेटर विनोद कांबली, उसका कट हाथ में ही कट है, अजहरुद्दीन हाथ में ही कट है, देखा है ना, बिटवीन विनोद कांबली एंड तेंदुलकर हु बिकेम नंबर 1, क्योंकि उसको पता था
मेरे अंदर अगर नॉलेज भी है लेकिन अगर ये दो फैक्टर पे मैं काम नहीं करूँगा तो मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगा जहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तो नॉलेज का मतलब आपके पास क्या है, एटीट्यूड का मतलब नोट कीजिए, आप हमेशा अपने बारे में क्या सोचते हैं। कितनी सुंदर लाइन है, आप हमेशा अपने बारे में क्या सोचते हैं वो आपका एटीट्यूड है। आप अपने बारे में हाई सेल्फ एस्टीम रखते हैं, लो सेल्फ एस्टीम रखते हैं, आप भीतर से कॉन्फिडेंट हैं या कॉन्फिडेंस के लिए मार्केट में जाके खरीदना पड़ता है। हम दुनिया से सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं तो दुनिया से कहते हैं अच्छा मैं कैसा लग रहा हूं, वार्डरोब के सामने खड़े होके कंफ्यूज्ड है क्या पहने। यू इवन कांट डिसाइड व्हाट टू वेयर, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर हैविंग, आई मीन सिंपल थिंग, यू कांट डिसाइड, क्या कंफ्यूज पर्सनैलिटी है इसकी, पूरी जिंदगी दूसरों पर चल रही है। ये हम ऐसे कर करके अपने एटीट्यूड को परमानेंटली कोलैप्स कर लेते हैं। अब तक मैं पहुंच पा रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अप्रूवल सीकिंग हैबिट कहते हैं इसको। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके पास अगर नॉलेज है और राइट एटीट्यूड नहीं है अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो आपको जरा ये समझना पड़ेगा आज के बाद कि आपको एक नया पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। सो आर यू रेडी? ओके फाइन। पहले तो आप जरा लिखिए एटीट्यूड बनता किससे है, फैक्ट्री क्या है एटीट्यूड की। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इस पर हमने बहुत काम किया है, हमारे जैसे लोगों ने बहुत काम किया है। लिखिए इसको, एटीट्यूड इज द रिजल्ट ऑफ योर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। क्योंकि दोस्तों तीन महान दुश्मन हैं जो एटीट्यूड को सारी जिंदगी बर्बाद करते हैं, और वो हैं फियर, नफरत, पश्चाताप। और ये रोज इकट्ठे होते हैं, रोज आपको इनसे मुलाकात होती है। कोई घटना ऐसी घट जाती है कि अंदर में फियर आ जाता है, कोई घटना ऐसी घट जाती है कि अंदर में नफरत आ जाता है, कोई घटना ऐसी इंसल्ट, आपको किसी ने इंसल्ट कर दी, आपके अंदर पश्चाताप आ गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट पे हम खड़े हुए हैं। अब आप सुनिए, अगर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये ट्रेनिंग दूँ कैसे मुस्कुराएं, कैसे हाथ मिलाएं, वो स्किल है, अब इस पर मैं आया नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों अगर बिल्डिंग की बुनियाद ही टूटी हुई है तो आर्किटेक्ट कितना भी अच्छा हो, बिल्डिंग खूबसूरत नहीं रह सकती है, वो टूटेगी ही टूटेगी। मैं अभी बिल्डिंग की बुनियाद पर काम कर रहा हूँ अभी इस वक्त, आर्किटेक्ट पर बाद में आऊँगा। एटीट्यूड के लिए बस एक लाइन है, चेंज योर एक्सपीरियंस, चेंज योर एटीट्यूड। एक लाइन दूंगा बस, अनुभव बदलो, दृष्टिकोण बदलो, चेंज योर एक्सपीरियंस, चेंज योर एटीट्यूड। आपके अनुभव में अगर नकारात्मक लोग बैठे हुए हैं तो आप कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके अनुभव में अगर ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने आपको बर्बाद कर दिया तो आप कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। अनुभव बदलो, जीवन बदलो, आज के बाद कोई नकारात्मक अनुभव आपके अंदर ना बैठे, इसके लिए 3-4 पॉइंट और नोट कर लीजिए। जब भी कोई नकारात्मक अनुभव आपके अंदर बैठने की कोशिश करे तो इस लाइन को याद कीजिएगा, बस एक ही लाइन दूंगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हेलो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी, एक राजा था। एक दिन उसका जन्मदिन मना रहे थे उसके लोग, तो सेनापति ने उसको एक गोल्ड की रिंग दी और राजा से कहा कि ये रिंग आप पहन लीजिए और जीवन में जब मुसीबत आए तभी इस रिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे पहले मत कीजिएगा। मुसीबत आई, किस पर नहीं आती है, राजपाट लुट गया, किसी ने आक्रमण कर दिया, राजा आसमान से ज़मीन पे आ गया, भटकने लगा और अपने सेनापति से कहने लगा ये दिन मुझे देखना पड़ा, मैंने सोचा नहीं था। सेनापति ने कहा अब टाइम आ गया है, अंगूठी में क्या लिखा है पढ़ने का,
उसने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ आप भूल गए होंगे, मुझे याद है, आप इसको निकालिए और पढ़िए, पीछे कुछ लिखा हुआ है। उसने वो अंगूठी निकाली, पीछे लिखा था घबराओ मत, ये वक्त भी निकल जाएगा। आप सब, आप तक पहुंच पा रहा हूं मैं? राजा तो जैसे पुरानी हिम्मत वापस आ गई, उसने दोबारा से एनर्जी गेन की और अपना राजपाट जीता हुआ हरा हुआ वापस ले लिए, सब वापस ले लिया, बिल्कुल खुशी मना रहे हैं। और सेनापति से कह रहे हैं देखो यार मैंने कर दिखाया। सेनापति कह रहे हैं एक बार और पढ़ लीजिए क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, एक बार और पढ़ लीजिए, कोई वक्त ठहरता नहीं है, एक ही लाइन दूंगा बस आपको, इवन दिस विल पास अवे। बहुत पुरानी स्टोरी है। पॉजिटिव आदमी हर नेगेटिव इंसिडेंट को मील का पत्थर बनाता है और नेगेटिव आदमी उसको रास्ते का रोड़ा बना देता है। आपके अंदर ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हर इंसिडेंट आपके अंदर स्ट्रेंथ बन के आए। आगे जाते हुए आदमी को किक करेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी ना। तो एटीट्यूड के लिए अब आपको दुनिया में कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूं। अनुभव गलत आए तो एटीट्यूड गया, यहां तक बात क्लियर है? अनुभव ठीक है तो एटीट्यूड ठीक है। अब आपको अपने अनुभव पर फोकस रहना है कि आज के बाद मेरे अचेतन मन में कोई नकारात्मक अनुभव ना आए, ये जिम्मेदारी आपकी है। एटीट्यूड का चैप्टर खत्म हो गया परमानेंटली। दिस इज नॉट अ मोटिवेशन, दिस इज एजुकेशन।